फिलहाल अभी मैं स्कॉर्पियो पे ही बैठ चुका हूँ। स्कॉर्पियो S11 देख सकते हो कुछ इस तरह का, इसका इंटीरियर वगैरह, डैशबोर्ड देखिए फुल ब्लैक है एकदम। बारिश हुआ इस वजह से पानी वानी से भींग गया, नंबर प्लेट भी नहीं है, कल ही रात में लेके आए हैं। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग जो है ना सीधे कैटल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि विश्व भैया का रेस्टोरेंट है। अभी हमने यहाँ पर प्लेन मैगी ऑर्डर किया है, क्योंकि आप लोग पता होगा चिकन पॉक्स होने के बाद भाई ना ज़्यादा तीखा खा सकते हैं, ना ज़्यादा नमक खा सकते हैं, ठीक है, ना नॉनवेज खा सकते हैं, कुछ नहीं, एकदम सादा सीधा सिंपल ज़िंदगी चल रहा है। अभी महीना डेढ़ महीना तो एकदम मतलब पालन में ही रहना है, क्योंकि अभी तक अच्छे से उतने अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, घाव वगैरह अभी भी शरीर में है, आप लोग जैसे कि पता ही आप लोग। फिलहाल दोस्तों अभी मैगी ऑर्डर किए हैं, मैगी खाएंगे और यहाँ पर वेट कर रहे हैं विशु भैया का, जिनका ये रेस्टोरेंट है। उन्होंने ना कल एक नया गाड़ी लिया है, कार लिया है, कौन सा पता, स्कॉर्पियो S11 है ना, 11 ही लिया ना, S11 स्कॉर्पियो लिया है, ठीक है। मेरे पास तो टाटा हैरियर है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन स्कॉर्पियो का इंजन ना टाटा हैरियर से ज़्यादा पावरफुल रहता है, 2400 CC का रहता है और इसका 2000 रहता है, ठीक है, हैरियर का 400 का डिफरेंस है, चलाने में भी तो कुछ तो डिफरेंस होगा ही। तो अभी विशु भैया गया है अपने कार में सीट कवर वगैरह लगवाने के लिए, अभी वो आ रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी टेस्ट ड्राइव लेंगे और गाड़ी को लेकर के कहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ से सोच रहे गोविंदपुर वगैरह जाएंगे चाय वाय पीने के लिए और थोड़ा चला भी लेंगे, देखते हैं स्कॉर्पियो S11 का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। स्कॉर्पियो मैंने कभी चलाया नहीं, वैसे चलाया S9 या 7 था शायद, पता नहीं। तो चलिए अभी वेट करते हैं, फिलहाल अभी मैगी आने का वेट कर रहे हैं हम लोग। आ गए क्या? नहीं, अभी नहीं आया। और ऐसा लगा कि वो आ रहे हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा उनका, आधा घंटा लगेगा, अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ा। मैगी गाइज हमारा अभी गया है, खा भी रहे हैं, लेकिन बोले थे कि एकदम तीखा मत दीजिएगा, और तीखा बहुत ज़्यादा दे दिया, देख रहे ये लोग को तीखा लग रहा था, मुझे कितना लगेगा सोच के देखो। तो तबीयत ख़राब है, मना किया तीखा खाने के लिए, लेकिन इतना तीखा दे दिया ना, पसीना निकाल दे रहा, देख रहे, और खाने में भी स्वादिष्ट लग रहा है, क्या कर सकते, खा रहे थोड़ा थोड़ा। बहुत दिन से तीखा भी नहीं खाया, बहुत दिन से खाए भी नहीं। तो दोस्तों अभी विशु भैया का वेट करते करते ना 1 से 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि वो गाड़ी का काम करवा रहे थे तो आने में उनको लेट हो गया, और इसी बीच क्या हुआ ना, बारिश वगैरह आ गया। सोचा था एक अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगा बट नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं स्कॉर्पियो पे ही बैठ चुका हूँ। स्कॉर्पियो S11 देख सकते हो कुछ इस तरह का, इसका इंटीरियर वगैरह, डैशबोर्ड देखिए, अभी देखिए पूरा नया चकाचक है। इधर रहा विशु भैया, इन्हीं का ये कार है, कल ही ये लेके आए हैं, कहाँ से ले आए जी? और ये बेगूसराय, बेगूसराय बिहार से, क्योंकि धनबाद में स्टॉक नहीं था ना, एकदम नहीं मिल रहा था, वेटिंग चल रहा था बहुत ज्यादा, 4 महीना का वेटिंग चल रहा था। स्कॉर्पियो S11 ऑन रोड प्राइस क्या है? 20 लाख पड़ गया ऑलमोस्ट, 20 लाख, इतना महंगा हो गया, 20 के बीच पड़ा, इतना मतलब पहले था कि बड़ा, पहले और ज्यादा था, पहले 22 था, अभी कम हुआ है, अभी रेट अच्छा कम हो गया, हाँ, कम हो गया। देखिए पीछे सीट वगैरह कवर वगैरह लगेगा कि ऐसे रखिए? लगेंगे कल, लगेगा ना, हाँ, इसमें मतलब हैंड रेस्ट वगैरह सब दे दिया जी, तो एकदम नेता वाला फील दे देगा आपको, आपको भैया आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, आप ही बेटा घुमाएंगे इसमें, ऑन कीजिए कैसा दिख रहा है डिस्प्ले, अच्छा ये तो मेरा चाबी, अच्छा लगा हुआ है, ये देखिए ऑन तो कर दिए हैं, ये डिस्प्ले देखे नया लोगो महिंद्रा का, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले M था, ऑटोमेटिक AC वगैरह सब है ना, हाँ, वायरलेस चार्जर वगैरह दिया नहीं दिया है, 12 वोल्ट दिया है इधर, 6 गियर का गाड़ी, मैनुअल लिया आप, इसका ऑटोमेटिक भी आता है ना, भी आता है इनका ऑटोमेटिक में, वो सिटी के लिए अच्छा है, बट हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम हाईवे है ना, इसीलिए हम लोग गियर वाला लिए हैं। स्कॉर्पियो लेने का रीजन क्या था? नेता वाला फील है? नहीं, नेता वाला फील नहीं, थोड़ा ऊंचा लगता, गैंगस्टर बॉक्सी बाद है ना, बाद है ना भैया, तो थोड़ा लगना चाहिए उस टाइप का। आप लोग थोड़ा मैं बता दूं, धनबाद में थोड़ा ब्लैक स्कॉर्पियो का अलग ही वैल्यू है, ठीक है, मतलब अलग ही वैल्यू है, जब रोड पे चलोगे ना तो लगता है कोई जा रहा है, एक बार हॉर्न मारिएगा तो दो गाड़ी सट जाएगा। ये रहा डिस्प्ले देखिए, एंड्रॉइड वाला है ना डिस्प्ले, लग रहा है, चलाइए। म्यूजिक वगैरह कैसा है? इनबिल्ट लिमिटेड दिया है, बहुत हार्ड। चलिए अभी थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव लेते हैं, आप लोग एक्सपीरियंस बताते हैं। तो अभी दोस्तों स्टीयरिंग पे बैठ चुके हैं, ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट भी हो चुका है गाड़ी, आवाज एकदम नहीं है, साइलेंट है पूरा। अब देखिए स्कॉर्पियो का अभी रोला जमाते हैं हम लोग रोड में अभी, और बाहर से भी मैं दिखाऊंगा, पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक स्कॉर्पियो है, आप लोगों को बाहर से तो दिखाया ही नहीं ना, सोचेगा कौन सा कलर है, नहीं है पता नहीं। अच्छा इसमें 2400 CC का इंजन रहता है ना भैया? हाँ, 24 हम सही बोले हैं, मतलब ब्लॉग में, हाँ, मेरा हैरियर में 2000 है, थोड़ा सा पावर आपको ज्यादा मिलेगा इसमें, बट हाँ भैया माइलेज खतरनाक है भाई साहब, क्या हाइट लग रहा है भाई स्कॉर्पियो का, ये तो एक खासियत है ना, हाइट गजब का है, गजब मतलब गजब लग रहा, कहीं बैठे हैं, लेकिन आपका सीट थोड़ा नीचे लग, उसको भी हाइट एडजस्ट दिया है? नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं दिया, उसमें नहीं दिया ना, ड्राइविंग सीट देख रहे हैं कितना हाइट में है, पूरा बोनट वगैरह सब कुछ दिख रहा है, चलाने में तो अलग ही मजा है, होल एकदम रोले में।
एक दिन हैरियर दोनों को एक साथ निकालते हैं क्या? हाँ, हाँ, आगे पीछे। हाँ भैया। अच्छा विशु भैया, अभी तक आपने किसी को बताया नहीं ना कि आपने ये नया गाड़ी लिया? नहीं, 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 कहीं पोस्ट उस्ट नहीं किया? अब मेरा वाला ब्लॉग जाने के बाद आपको सब जान जाएगा कि आप गाड़ी ली। मैक्सिमम लोग जान जाएंगे। आपका मैसेज आएगा भैया खर्चा दीजिए पार्टी। लड़की लोग ज्यादा बोलेगी। अरे भैया कहाँ है वैसा किस्मत मेरा। बहुत मजा आ रहा है एकदम, पूरा मक्खन लग रहा है चलाने में। और अभी तो नया है तो समझ रहे ना, थोड़ा भी कहीं भी कहीं कुछ साउंड नहीं है गाड़ी में। अब देख रहे हैं रोड में भी मक्खन है थोड़ा। रोड पूरा बारिश से एकदम रोड भी खाली हो गया है, बाइक वाला सब साइड में थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है। पुल के बाद थोड़ा खाली रोड मिलता है और लहरा के चलता है। मटका के एकदम गाड़ी चलाने में मजा तो आया भैया। बेगूसराय से लेके आए ना, अब तो एकदम ड्राइविंग वहीं से करके आए। हां 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 260 किलोमीटर कंटीन्यूअस ड्राइव। वो वाला लगा दीजिएगा बीच में। हां लगा, वो ऊपर जो शीशा लगता है। हां शीशा उस साइड है ना, जो आपका गाड़ी में लगा हुआ है। मेरा गाड़ी में लगा हुआ वो और लुक एनहांस कर देता है पूरा एकदम। जी जी वो लगवा देंगे, पूरा एकदम बोल्ड लगने लगता है देखने में गाड़ी में। तो मैंने यदि 4-5 हज़ार किलोमीटर भी चलने बोले ना उतना भी चला देगा कोई नहीं, आराम से कंफर्टेबल भी रहता है। मैं एक सांस में लेके आ गए 250 किलोमीटर बिना रुके। अभी तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा ना, आपका गाड़ी है। नया गाड़ी हम तो ये बैंगलोर का ही प्लान कर रहे हैं। इसी को क्या? हाँ बाइकार तो वेन्यू कैंसिल कर दे रहेगा। वेन्यू कैंसिल अभी से जाएंगे। हाँ हेमंत भी जाएगा दोस्तों मेरे साथ। अच्छा इसी से बैंगलोर जाइएगा? हाँ देख रहे हैं धनबाद झारखंड से बैंगलोर जाना है इनको, वो भी बाइक कार अपने इससे स्कॉर्पियो से। अच्छा अभी भैया ये S11 जैसे ये टॉप नीचे जो रहा था, मतलब क्या डिफरेंस रहता है उसमें? अलॉय नहीं मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, डिस्प्ले में भी चेंजिंग होगा? डिस्प्ले नहीं है उसका, डिस्प्ले है ही नहीं। अच्छा खाली म्यूजिक सिस्टम है। हां खाली म्यूजिक सिस्टम रहेगा, प्लस आपका स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं रहेगा उस पे। तो अभी हम लोग टेस्ट ड्राइव लेकर के आ गए हैं, देख लीजिए बाहर से फुल ब्लैक है एकदम। बारिश हुआ इस वजह से देख रहे पानी वानी से भींग गया, नंबर प्लेट भी नहीं है, कल ही रात में लेकर आए हैं। क्या मस्त लगता है एकदम, नेता वाला फील देता है सिंघम। ये देखिए इधर क्या लिखा है, एम हॉक स्कॉर्पियो। बैक से भी थोड़ा सा दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा S11। ये देखिए स्कॉर्पियो S11 क्लासिक। तो चलाने में एकदम गजब का एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। फुल ब्लैक कार है एकदम, ठीक है। और मेरा हैरी भी ब्लैक है एकदम, एक साथ अगर दोनों निकाले तो गजब का लगेगा, लगेगा कोई नेता वेता रोड में जा रहा है। तो फिलहाल अभी कार ड्राइव कर लिए, बहुत ज़्यादा इधर बारिश वगैरह हो रहा है, रात भी काफ़ी हो गया, घर भी निकलना है। चलिए मैं अभी निकल रहा हूँ, गाड़ी बहुत मस्त था, मज़ा आ गया। वैसे विशु भैया कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भैया फॉर योर न्यू कार, कॉन्ग्रेचुलेशन। पार्टी दे दीजिएगा जल्दी से। पक्का। ठीक। पर हमारे छोटे फैन मिले हैं, देख रहे हैं आप भी वीडियो देखते हो ना, ब्लॉग टेक वाला चैनल भी। कहाँ घर है? अच्छा यहीं पे रहते हो। चलिए फिलहाल इसके साथ फोटो लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम आ गए हैं घर पे, और ज्योति भी आज मायके से घर आई है, यहीं पे है रही। क्या कर रही है? अरे ब्लॉग बना रहे थे, स्कॉर्पियो लिए है ना, वो उन चक्कर में हो गया पूरा लेट अप, उधर भी पूरा बारिश। अभी आपके टाइम रास्ता में बारिश नहीं हो रहा है। चलिए अभी जाएंगे डिनर विनर करने के लिए। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। सुबह सुबह मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्रश भी नहीं किया है, सुबह उठ के ही ब्लॉग एडिट कर रहा था। चलो बोलो एंड कर दो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।